प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु जल्दी आने वाला है, मुझे अपने साथ वो ले जाएगा। यीशु जल्दी आने वाला है, मुझे अपने साथ वो ले जाएगा। और उसके संग मैं सदा रहूंगा, जैके गीत वहां गाता रहूंगा। और उसके संग मैं सदा रहूंगा, जैके गीत वहां गाता रहूंगा। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट डैनियल बाइली नडियाड से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभ संदेश सुनने के लिए सभी भाइयों बहनों को स्वागत है। आज के शुभ संदेश के द्वारा यहाँ का आपका जीवन आनंद, शांति और पृथ्वी के बाद का आपके अमर बहुमूल्य आत्मा का जीवन हमारे सृष्टिकर्ता के साथ अनंत महिमा का पाए, यही प्रार्थना के साथ आज के थोड़े समय के मनन के लिए यूहन्ना की सुसमाचार 3:16 का पहला भाग पढ़ेंगे। परमेश्वर ने संसार से यानी मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया, गुजराती में है एटली प्रीति, इंग्लिश में है सो लव, जिसका मतलब है अपार प्रेम, विशाल प्रेम, अजोड़ प्रेम, जिसका हम हमारी मानवीय भाषा में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा स्वर्गीय परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम है। मनुष्यों में माँ बाप और बच्चों का प्रेम हो, पति और पत्नी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, रिश्तेदारों से प्रेम हो या दोस्तों का प्रेम हो, थोड़ा या ज़्यादा स्वार्थ इस संसार के प्रेम के संबंध में रहेगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय प्रेम, निखालस प्रेम, पवित्र प्रेम, निस्वार्थ से प्रेम किया। एक गीतकर्ता के बोल इस तरह से है, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, प्रभु ने कहा पूरे दिल से तू मेरे हाथों की रचना है, इसलिए मैं तुझसे करता इतना प्यार। स्वर्ग का परमेश्वर का ऐसा निस्वार्थ प्रेम का कारण है वो हमारा रचने वाला, बनाने वाला है। इसलिए प्रेमी परमेश्वर के प्रेमी हृदय की इच्छा नहीं कि चाहे वो अमेरिका वासी हो, पाकिस्तान वासी हो या हिंदुस्तान वासी हो, परमेश्वर नहीं चाहता है संसार का एक भी मनुष्य नाश नरक में जाए। इसीलिए संसार के सारे मानव जात पर प्रेम करते हुए ऐसे संसार के सारे मानव जात को बचाने, यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, अपने
एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। कहाँ दे दिया? क्रूस पर। क्रूस पर क्यों दे दिया? जिसका जवाब बाइबल में यशाया 53:5 में पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण छेदा गया। वह यीशु मसीह हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। हमारी शांति के लिए उसने शिक्षा सहन की। पहलो कुरिन्थियों 15:4 में लिखा है, जरूर हमारे पापों की शिक्षा लेने को वो मरा, लेकिन मरे हुओं में से वो तीसरे दिन जी उठा है। आज वो मरा हुआ प्रभु नहीं, जीवित जिंदा प्रभु है। भाई और बहनों, अब जो कोई इस बात पर विश्वास करके स्वीकारता है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की शिक्षा उन्होंने सहा है, प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करने वालों को परमेश्वर उसे पाप की शिक्षा दंड से, नाश से, नरक से बचा लेता है, और उसे यानि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन परमेश्वर देता है। लेकिन इस संसार का अधिपति शैतान नहीं चाहता आप नाश से, नरक से बच जाए, इसलिए सब लोगों को इस परमेश्वर की जो मानव जात को मोक्ष, मुक्ति, उद्धार की जो योजना है, इस सत्यता से दूर करने, कुछ लोगों को धार्मिक बातों में, कुछ लोगों को स्थान मान, कुछ लोगों को पैसे के पीछे, और कुछ लोगों को बुरे जीवन व्यसन में लगा दिया है। कोई कितना अच्छा हो या बुरा हो, कोई ज्यादा पाप करता है, कोई कम पाप मैं जीवन में जीते हैं, और मनुष्य नाश की ओर बढ़ रहा है। शैतान को उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो यही चाहता है उसका नाश हो। लेकिन स्वर्ग का प्रेमी प्रभु नहीं चाहता आपका नाश होए, इसलिए आज भी वह क्रूस पर फैलाए हुए प्रेमी हाथों को फैलाकर आपको बुला रहा है। ख्रिस्ती मसीह धर्म स्वीकार ने नहीं, नाश से, नरक से बचाने को। 20 अगस्त 1982 को यह सच्चाई मैं समझ गया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और परमेश्वर का बालक होने का अधिकार मिला, जिसके कारण मैं स्वर्ग का वारसदार बन गया। आज आप किसकी बात मानोगे, सुनोगे? यदि शैतान की, तो सदा उसके साथ नाश में जाना पड़ेगा। यदि प्रेमी प्रभु यीशु मसीह की बात मानोगे, तो सदा प्रभु के साथ स्वर्ग में जाओगे। यदि प्रभु यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया, तो प्रभु आपको ऐसा समझने, विश्वास करने सहाय करे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के ही बड़े नाम की महिमा हो। धन्यवाद।